जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जिंदगी के भीड़ में जो खुश रहे, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। किसी खूबसूरत नोट के साथ हम अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हाँ हिंदी वाला सफ़र। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेरिटरी। मैं सोनाली बासु आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी। अगर मैंने कुछ शूट किया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा ससुराल मनिंदगढ़ में है, जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिलासपुर से मनिंदगढ़ बाय रोड जाने में हमें करीब 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में कई सारे कोलियारी बेल्ट्स भी पड़ते हैं। रास्ता अभी बहुत ही बढ़िया हो चुका है। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दूर से नज़र आ रहा है अभी मनिंदगढ़। ये नेक्स्ट डे है, कल आके मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये हमारा घर का एंट्रेंस है, ये मेरा फेवरेट मनी प्लांट। मेरे स्वर्गीय ससुर जी का नाम लिखा है, उन्होंने बड़े ही प्यार से ये घर हम सबके लिए बनाया था। सुबह के समय काफ़ी अच्छी धूप आती है, इसीलिए मेरी सासू माँ ने सारे पर्दे उठा के रखे हैं। ये एक ड्राइंग रूम बना हुआ है, इधर से मेरी जेठानी का रूम है। अब हम थोड़ा आंगन की तरफ चलते हैं। ये हमारा बड़ा सा आंगन है, यहाँ पे कुआं बना हुआ है। आम और लीची के पेड़ लगे हैं, काफी अच्छा फलता है आम और लीची यहाँ पे। चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह चिड़ियों का शोर, जो कि बड़े शहरों में आजकल देखने को ही नहीं मिलता है। अब इस पैसेज से होते हुए हम छत पे चलेंगे। यहाँ राइट साइड में किचन पड़ता है और लेफ्ट साइड में हमारा हॉल है। अब हम छत पे जाएंगे। काफी बड़ा छत है हमारा। हमारा बहुत सारा प्रोग्राम तो छत पे ही हो जाता है। अभी हमारे घर में शादी थी कुछ महीनों पहले, तो हमारे छत पे हमने बहुत सारा अपना प्रोग्राम किया था। यहाँ से नीचे झांकने में भी बड़ा मजा आता है। ये आंगन से होते हुए सामने की तरफ मेरे हस्बैंड वहां धूप सेक रहे हैं बैठ के। और वहां हमारी गाड़ी खड़ी है, वो जगह भी हमारा ही है। यहाँ धूप में इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बिल्कुल हिल स्टेशन जैसी फीलिंग आती है।
आज 10 बजे तक सोई हूँ मैं। चलो अब नीचे चला जाए। ये हमारा बेडरूम है। वैसे तो और 3 बेडरूम है हमारे घर में। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे क्या मिला। मेरी सासू माँ के साड़ियों के खजाने में से उन्होंने मुझे एक साड़ी दी। बहुत ही खूबसूरत सिल्क की साड़ी है। इसे एप्लिक काथा कहते हैं। मैं अपने किसी शॉर्ट्स वीडियो में इसे स्टाइल करके ज़रूर से आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये हमारा हॉल है। और ये पूजा रूम। बराबर हो गया है ना? हाँ बराबर तो है। चलो भाई बहन हाइट ना पो। कौन ज्यादा लंबा है? मैं। हाँ नहीं दीदी भाई लंबी है। बराबर हो गया। अरे सासू माँ मेरी। चलो नाती नाती लोग आ जाओ। अरे ढम्मा का आवाज आ गया। क्या है ढम्मा? गौरी बोस बोस खानदान बॉस मिसेस गौरी बासु। मेरी जेठानी आ गई। आज ज्वाइन करो आ जाओ। मेरी सुंदर वाली जेठानी भाग गई। अब हम आपको वसुधा ढाबा में लेके जाएंगे जहाँ मेरी खूबसूरत सी जेठानी टेस्टी टेस्टी खाना बना रही है। वेलकम टू माय ढाबा। चलिए क्या बना दिखाइए। चिकन। क्या खुशबू आ रही है। वाओ वाओ बहुत टेस्टी है। और उसमें 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 क्या बन रहा है? पुलाव। अरे वाह पुलाव। वाओ बहुत टेस्टी देखने में ही लाजवाब है। हाँ जैसे सुंदर मेरी जेठानी वैसे ही टेस्टी मेरे खाना। हमने अपने खाने का बर्तन भांडा वगैरह उठाया और छत पे लेके आ गए। धूप सेकते हुए एक पिकनिक जैसी हो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। बना दी भाई। बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। रात में हम निकल पड़े शहर घूमने और कुछ स्ट्रीट फूड्स का मजा लेने क्योंकि हम बासु खानदान वाले थोड़े से ज्यादा ही फूडी है। हमने क्या क्या खाया उसका मैंने अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है जो इस ब्लॉग के बाद आएगा। रेजिस्टेंस
এস্টেট কিছু হবে কিন্তু সিগন্যাল বুস্ট করবে অ্যাম্প্লিফাই করবে। इतना टेस्टी टेस्टी सब खा के अब हम घर जा रहे हैं वापस। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर मैं आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।